अभी हम बेहद के दृष्टिकोण को अपनाएंगे। आज का जो योग करेंगे हम करेंगे सर्व के प्रति कल्याण का भाव। आपको बस ये चेक करना है कहाँ कहाँ मेरे भाव में अकल्याण आ जाता है, सोचना है इस बात को, है ना, अपने आप में पूरी दिल से सोचना है, क्योंकि हम एक एक चीज को मिटाते जा रहे हैं ना अपने अंदर से। तो हम योग में क्या करेंगे, पहले आपको ये चेक करना है कि मुझ आत्मा में कहाँ कहाँ साधारण भाव आते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां होती हैं जब मैं दूसरों अकल्याण सोच लेती हूँ। जब भी मैं कोई कर्म करने चलती हूँ तो मुझे डर होता है ना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियां कितनी बार पैदा होती हैं, किस किस चीजों मुझे डर लगता है। तो आपको क्या करना है, आज आपको एक ही दृष्टिकोण डेवलप करना है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा, हर बात के लिए। तो पूरे आधा घंटे आप बाबा के साथ बातें करेंगे, वैसे ही बातें करनी है हमें, इसको पक्का कर लो आप। आपको अपने घर में बाप दादा का आह्वान करना है। मैं तो हमेशा बोलता भी हूं, चाहो तो सामने एक चेयर डाल लो और उस पर देखो, फील करो कि बाप दादा मेरे सामने बैठा है, मेरे पास बैठा है। आप जैसे आसन पे बैठे हो वैसे ही आसन सामने लगा दो अपने और देखो बाप दादा आ गया है, मेरे पास बैठा है, मैं बाप दादा से बातें कर रही हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, बेहद। केवल ये परिवार मेरा परिवार नहीं है जहां मैं बैठी, ये पूरी धरा ही मेरा परिवार है। मुझे सर्व के कल्याण के लिए सोचना है, सर्व के कल्याण के लिए। कोई साधारण भाव नहीं अंदर, सारा विश्व हमारा है, सदा कल्याण है, किसी बात में जरा भी डरना नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा, ना बीमारी में डरना है, ना ही किसी धन के नुकसान आते की सोच से डरना है, ना ही किसी के कुछ कहने करने से डरना है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, जो भी मेरे जीवन में होने वाला है उसमें मेरा कल्याण है, कल्याण है, सदा कल्याण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाबा को सामने बुलाना है और अपने सब डर, आपको किन किन बातों में डर रहते हैं, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, बीमारियों का डर, धन की कमी का डर, दोस्त यार रिश्तेदारों का डर, किसी कुछ कह देने का डर, कुछ ना कर पाने का डर, वो सब लिखो पेपर पे, बाबा को बताओ, बाबा ये डर हैं जो मुझे अंदर अंदर खाते हैं। बाद में भले उसको फिर जला देना, क्योंकि हम अपनी कमियां जला रहे हैं ना, एक एक करके बाबा को बता। सच्चे दिल पे साहेब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। खाली करो पहले, खाली करेंगे तो हम भरेंगे, और जब हम लिखेंगे तो हमें भी पता चलेगा। लिखने से क्या होता है, ऐसे तो हम भी सोच लेते हैं, फिर हम कैजुअल हो जाते हैं, जब लिख लेते हैं ना पेपर पे तो सामने पढ़ के खुद को शर्म भी आती है, रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं तो आत्मा हूं ज्योति बिंदु, मैं किन छोटी छोटी बातों में फंसी हुई हूं। क्योंकि अपने व्यर्थ, बावन मूल्य में क्या बोला, बंधन क्या है, परतंत्रता क्या है, अपने मन के व्यर्थ संकल्प, डर के संकल्प व्यर्थ संकल्प हैं, दूसरों के प्रति कमजोरी के संकल्प डर के संकल्प हैं, हद के संकल्प हैं, कर्म भोग के संकल्प हद के संकल्प हैं। तो जितनी भी हदें हैं वो लिखो, बाबा को बताओ, फिर हम उन्हें काटेंगे,
है ना, फिर काटने के लिए भी आपको क्या फील करना है, बाबा से मार्गदर्शन लेना है, और बस एक ही बात फीलिंग में आनी है, मैं तो आत्मा हूं। सातों गुणों आठों शक्तियों का स्वरूप हूं, ये सब कुछ टेम्परेरी है जो मेरे जीवन में मुझे दिख रहा है, ये सब तो इस रोल के साथ है। आप देख लेना जितने भी आपके डर होंगे, चिंता होंगी, वो इस शरीर के साथ है, ये शरीर मिटेगा, सब चिंताएं खत्म, सारे डर खत्म, मैं तो जीते जी मरी हुई हूं, तो कैसा डर कैसी चिंता, पाना था सो पा लिया, जब भगवान मिल गया तो और क्या बाकी है। ठीक है, तो अभी मैं बाबा को आपके सामने लाता हूं, बाबा से दृष्टि लेते हुए आधा पौना घंटा पावरफुल योग कीजिए अपने हिसाब से। ये जो मैं आपको समय देता हूँ आधा पौना घंटे का, ये जो समय होता है, ऐसा नहीं मैं कि कमेंट्री कमेंट्री करा देने से योग नहीं होगा, आपकी खुद की बुद्धि कब चलेगी, खुद के संकल्प कब चलेंगे, वो तभी चलेंगे जब आप चलाएंगे। इसलिए आपको रोज एक नया टास्क दिया जाता है ताकि आप उसके हिसाब से अपने मन बुद्धि को चलाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधा घंटे कम से कम बाबा से आप पर्सनली सामने बुला लीजिए बाबा को, अपने घर को सूक्ष्म वतन बना लीजिए। मेरा घर ही सूक्ष्म वतन है, इससे बहुत फायदा होगा आपको, आपका घर एक दिन देखना बिल्कुल दूसरों को भी मंदिर नजर आना शुरू हो जाए। बाबा से दृष्टि लेनी है और पूरा बेहद का बनना है, कोई हद ना रह जाए, कोई भी मेरापन ना रह जाए अंदर में। सब लिखो आज पेपर पे मुझ में कौन कौन सा मेरापन है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने क्या किया है। मेरे लिए पूरी धरती मेरी है, सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। Thank you.
एक एक आत्मा को अपने सामने लाएं, उन्हें उनके सत्य स्वरूप देखें। जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, वो भी ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूं, वे भी प्रेम स्वरूप हैं। मैं पवित्र स्वरूप हूं, वे भी पवित्र स्वरूप हैं। एक एक गुण का स्वरूप स्वयं को भी महसूस करें और फिर मैं जैसी हूं मुझे पूरी सृष्टि वैसी ही दिखाई दे रही है। आपको किसी में भी एक भी कमी नहीं देखनी है। सब कुछ अच्छा है, कल्याणकारी है। हर आत्मा अच्छी है, हर आत्मा के कर्म भी ड्रामानुसार अच्छे हैं, कल्याणकारी हैं। महसूस करें इसे, देखें अपने मन की आंखों से। राम का पार्ट भी कल्याणकारी है तो रावण का पार्ट भी कल्याणकारी है। दोनों एक दूसरे के पार्ट को पूरा कर रहे हैं। चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें अंदर में। आज जो भी संकल्प मन में उठे वो बस शुभ हो शुभ, कोई साधारणता नहीं। मैं बाबा की बाबा मेरा, सर्व खजाने मेरे, बांटो। बांटने की विधि क्या है, सबको वैसा ही देखो जैसे बाबा देखते हैं। सब अच्छे हैं, सब प्रेम के अवतार हैं, सुख के अवतार हैं। शांति के अवतार हैं, वे भी आत्माएं हैं, सब में गुण हैं। देखें अब हमें सब में सिर्फ गुण नजर आ रहे हैं। सभी के कर्म ड्रामा अनुसार परफेक्ट हैं। वो मेरी चेकिंग है, मेरी सहनशीलता की चेकिंग हो रही है।
मेरी परखने की शक्ति की चेकिंग हो रही है, मेरे सर्वगुण सर्वशक्तियों की चेकिंग हो रही है, सब में मेरा भला है, स्वीकार करें इसे अंदर से।
अभी हम सब एक अभ्यास बदलेंगे। सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठेंगे। और आप एक एक व्यक्ति को अपने सामने लाएं, जिनके साथ भी आप जीवन जीते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, और बस आपको एक ही सवाल अपने से पूछना है, मैं इन्हें एक व्यक्ति देख रही हूं या मैं इनमें आत्मा देख रही हूं। लाएं एक एक सूरत को, ये बताएगी मुझे मेरी आत्मविमानी स्थिति के विषय में। देखें उन्हें, क्या दिख रहा है मुझे, इस अभ्यास को गहराई से करें। बाबा जब मुझे देखता है तो उसे मुझमें क्या दिखाई देता है? मैं जब संसार को देखती हूं, अपने साथ पार्ट बजाने वालों को देखती हूं, तो मुझे उनमें क्या दिखाई देता है? बाबा तो मुझमें सदा ही गुण देखते हैं। देखो ध्यान से, बाबा क्या देखते हैं? तभी तो मुझे कितने सुंदर सुंदर टाइटल देते हैं। मेरे मीठे बच्चे, देखो बाबा मुझे देखकर क्या क्या बुलाते हैं। मेरे लाडले बच्चे, मेरे सर्व खजानों के मालिक बच्चे, मेरे गुणवान चरित्रवान बच्चे, महान आत्मा बच्चे, मास्टर भगवान, मास्टर शिक्षक, मास्टर सदगुरु। देखो जरा बाबा कैसे देखते हैं। मेरा जिम्मेदार बच्चा, खुदाई खिदमतगार आज्ञाकारी बच्चा, मेरा सुखदेव बच्चा, देखो बाबा मुझे ऐसे देखते। मैं बाप समान हूं। अब देखो मेरी दृष्टि कैसे देख रही है सबको। जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझे बाबा के संग संसार को वैसा ही देखना है।
एक एक आत्मा को सामने लाए और बस उनमें गुण देखें, शक्तियां देखें, उन्हें भी बाबा के साथ योग लगाते हुए देखें। हर एक आत्मा को सामने लाए, ये बेहद की सेवा है। पहले उन आत्माओं को लाएं जिनके साथ मेरा रोल है, फिर मनसा वाचा कर्मणा जो मुझसे किसी भी प्रकार का संबंध रखती हैं, उन आत्माओं को सामने लाएं। उसके बाद पूरे ग्लोब को सामने लाएं, सभी धर्म की आत्माओं को सामने लाएं, तीनों लोकों को सामने लाएं, बस गुणदान करते जाएं। गुणदान ही महादान है। मैं होली हंस हूं, मेरी दृष्टि पर बस गुणों का चश्मा है। गहराई से अगले 15 मिनट तक बस मास्टर भगवान बनकर बैठ जाएं अपनी सीट पर भगवान के साथ, और देखें जैसे भगवान देखते हैं हमें, ऐसे ही हमें देखना है पूरी तरह को। Thank you.
एक एक गुण को अपने आप में महसूस करें कि जैसे जैसे आप दुनिया को देते जा रहे हैं, आपके अंदर वो अनंत होता जा रहा है। प्रेम से मेरा हृदय पूरी तरह भरा हुआ है। किसी के प्रति जरा भी कोई घृणा भाव नहीं। जब सब कुछ कल्याणकारी है तो कैसी चिंता, कैसी फिक्र। मन एकदम शांत है। मन की सारी हलचल मिट गई क्योंकि अब मेरे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा है। महसूस करें इसे गहराई से। जरा सोचे कौन साथ दे रहा है मेरा। बाबा बैठा है मेरी भ्रकुटी में। देखें अपनी अपनी भ्रकुटी को बहुत ध्यान से। बाबा स्वयं मेरे साथ बैठे हैं मुझसे कंबाइंड होकर। सर्वशक्तिवान मेरा है, भाग्य विधाता मेरा है, तीनों लोकों का मालिक, तीनों कालों का ज्ञाता, स्वयं मेरे साथ है, मुझ पर राजी है क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम है सबके लिए। कोई चाहत नहीं है। फील करें इसको, ऐसा ही स्वीकार करें इसको। अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया है। भगवान मिल गया है मुझे, अब क्या मांगू। सब मिल गया है। मन में चैन ही चैन है, शांति है एकदम। कोई हलचल नहीं है। ना कुछ खोने का डर है, ना कुछ पाने की चिंता। मैं तो सब कुछ पा गई। मैंने तो दाता को ही पा लिया। वही मेरा हो गया, मेरी भ्रकुटी में बैठा है। स्वीकार करें इसे गहराई से। खो जाए इसमें बिल्कुल पूरा, स्थिर चित होकर सामने देखते रहे स्क्रीन पे। बाबा मेरा हो गया है, भगवान मेरा हो गया है। दुनिया ढूंढ रही है, देखो अपनी आंखों से इस सीन को। दुनिया भटक रही है, ढूंढ रही है, और वो मुझे मिल गया है। वो मुझ पर राजी हो गया है। स्वयं बुद्धि दाता, दिव्य बुद्धि दाता मुझसे कंबाइंड है, जिसने मेरी बुद्धि को डिवाइन बना दिया है।
सभी शक्तियां मेरी बुद्धि में आ गई हैं। मुझसे सबको सुख प्राप्त हो रहा है। सच्चा समाधान प्राप्त हो रहा है। देखें अपने आप को बिल्कुल एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में। मैं सबकी बिगड़ी को बनाने वाली आत्मा बन गई। पवित्रता के सागर के साथ कंबाइंड में आत्मा जहां जहां भी मेरी दृष्टि जाती है, मेरे संकल्प जाते हैं, मेरे कदम पड़ते हैं, वो सब पवित्र हो जाता है। देखें पूरी धरा में पवित्रता की लाइट को भरते हुए। हर आत्मा को पवित्रता से चमकता हुआ देखें सबके मस्तक में। सभी आत्माओं को सामने लाकर उनके हृदय में भी प्रेम को स्थापित कर दें, मन में शांति, दिमाग में ज्ञान, बुद्धि में शक्ति, उनके स्वभाव में सुख, सभी के पवित्र संस्कारों को इमर्ज होता हुआ देखें। सभी आनंदित जीवन जीते, एक दो को आनंद की अनुभूति करा रहे हैं, देखें पूरी की पूरी धरा ऐसी आत्माओं से भर गई है। Thank you.
अभी सभी डायरी पेन लेकर पावरफुल थॉट लिखेंगे और जिसका फिर अभ्यास करेंगे। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को अपने पवित्र संग का रंग लगाकर सच्चा सच्चा होली हंस बना दिया। आपकी संगत के कारण मैं आत्मा सदा के लिए सहज ही आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाली आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति वाली आप ही की तरह संसार को देखने वाली आप ही की तरह संसार के प्रति क्षमा भाव रखने वाली आप सुखदाता का सुखदेव मैं महान आत्मा हूं। मैं मास्टर भगवान हूं। मीठे बाबा, मेरे हर संकल्प हर भाव में मेरा संसार भी आप हो, मेरे संस्कार भी बस आप हो। ओ दिलाराम, मेरे दिल में बस आप ही विराजमान हो।
जो भी आत्मा मुझे देखती है, सुनती है, व्यवहार में आती है, मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सदा काल के लिए सुख, शांति और पवित्रता का नंबर वन इंस्ट्रूमेंट बना दिया। प्यारे बाबा, आपने स्वयं मुझ आत्मा को अपनी वरदानी पालना द्वारा इतनी पवित्र आत्मा बनाया है कि कोई भी आत्मा मुझ आत्मा के सम्मुख आते ही पवित्र बनने का संकल्प ले लेती है। मैं आपका पवित्रता का नंबर वन इंस्ट्रूमेंट हूं। जहां जहां भी मेरे कदम पड़ते हैं, वहां चारों ओर पवित्रता फैल जाती है।